हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोग को सिक्स पॉइंट पे डिस्कशन करना था, सिक्स पॉइंट पे, ठीक है। सिक्स पॉइंट में जैसे कि हिमालयन माउंटेन, तो हम लोग हिमालयन माउंटेन के हिमालयन माउंटेन पे हम लोग इसके प्रीवियस डिस्कशन में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग इसका सेकेंड टॉपिक जो नदन प्लेन है, नदन प्लेन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। नदन प्लेन यानी कि इंडिया का नदन प्लेन। इंडिया का नदन प्लेन, जैसा कि आप लोग को इसके प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें जो बताया गया था कि ये इंडिया का पूरा मैप है, और इस मैप में सबसे जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द इंडिया क्या था, तो ये हिमालयन रीजन है। तो हिमालयन रीजन जो है, यहाँ पे तीन रेंजेज है, ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय एंड शिवालिक। उसके बाद जो आता है, उसके बाद हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन आता है। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन जो आता है वो यहां पंजाब से लेकर ऐसे आसाम होते हुए अरुणाचल तक जाता है, ठीक है। यानी ये आपका ये हिमालय हुआ, तो हिमालय के जो नीचे का जो पोर्शन हुआ वो नदन प्लेन हुआ, यानी कि ऊपर से हिमालय माउंटेन एंड नीचे से आपका दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। तो इन दोनों के बीच में जो भी एक रीजन जो आता है, दैट इज कॉल्ड नदन प्लेन, ठीक है। तो नदन प्लेन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि नदन प्लेन बना कैसे, ठीक है, ये बना कैसे और ये फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखिए, कोई भी प्लेन जो बनता है ना, कोई भी प्लेन बनता है और रिवर्स के द्वारा लाया गया डिपोजिशन के कारण बनता है। जैसे कि कोई भी माउंटेन बनता है तो माउंटेन से डिफरेंट यहाँ से रिवर निकलते हैं। तो जब रिवर निकलती हैं, तो रिवर जो होते हैं वो यूथफुल स्टेज में जो होते हैं। तो इन यूथफुल स्टेज में ये बहुत तेजी से कटाव करती हैं, यानी कि जो वहां पे जो लैंड होता है, लैंड को बहुत तेजी से डिग्रेड करता है, यानी कि जो रिवर होती हैं वो बहुत तेजी से डिग्रेड करती हैं। और जब इस डिग्रेडेशन के पीरियड में क्या होता है कि रिवर के द्वारा डिग्रेड करके यहां से डिपोजिशन होता है, वो अपने वाटर के साथ उसके फ्लो में चला आता है, उसी के साथ। और जब ये प्लेन में पहुंचता है, जब वो जो मलबा जो उसमें होता है, यानी कि जो फाइन पार्टिकल होते हैं, तो वो नदी के पानी के साथ, वाटर के साथ वो लगातार बहते आते हैं, फ्लो करते आते हैं। और वो जब यूथफुल स्टेज से जब कोई रिवर है जो यूथफुल स्टेज से मेच्योर स्टेज में आते हैं, यानी कि यूथफुल स्टेज से जब मेच्योर स्टेज में कोई भी रिवर आती है तो उसका फ्लो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर का वॉल्यूम होता है ना, वो बढ़ जाता है, यानी कि जो रिवर इतना नैरो होकर चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो प्लेन में आती है, यानी कि मेच्योर्ड हो जाता है, जब मेच्योर्ड में आने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम बढ़ जाता है, साथ ही साथ जो डिपोजिशन होता है रॉक का कंपोजिशन जो भी होता है, और उसे आगे तक ले जाने में, फ्लो करने में वो एबल नहीं होती है, यानी कि नदी का पानी उसको फ्लो नहीं कर पाता है। और फ्लो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि यहाँ के जो रिवर का बैंक संग, यानी लेफ्ट एंड राइट, जो भी इसका बैंक होगा तो उस बैंक में उसका डिपोजिशन करता है,
वो नदी वो डिपोजिशन करते जाएगी और डिपोजिशन करते जाएगी और उसी से ये यहाँ पे सॉइल बन सॉइल का फॉर्मेशन होता जाएगा, पहला कारण। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जब भी फ्लड आता है, जब बरसात के दिनों में, जब रेनी सीजन में जब भी फ्लड आए, जब फ्लड आता है तो आप लोग देखे होंगे कि जो नदी का स्ट्रीम होता है ना, जो स्ट्रीम होता है वो अपना जो बैंक होता है वो बैंक को पार कर जाता है, वो यानी पानी इतना पार कर गया, पार कर जाने की वजह से जो भी उसमें कंपोस्ट होता है वो यहाँ पे आके ये यानी कि नदी से दूर तक जाकर उसे यहाँ पे कंपोज कर देता है। तो इन दैट केस इसे, और जब बरसात खत्म हो जाए, नदी का पानी खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहां से पानी फिर से अपना मेन स्ट्रीम में चल जाता है, यहां बच जाता है क्या, तो सिर्फ यहां पे मिट्टी यानी सॉइल। तो सॉइल जब बच जाता है, अब यही सॉइल जब एक लार्ज स्केल पे हो जाए, जब वेरी लार्ज स्केल पे हो जाए, तब यहाँ यही प्लेन बन जाता है, ये प्लेन बन जाता है। इसी में जब आप देखेंगे कि जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे या लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जब यहाँ पे लैंड्स बनना स्टार्ट हो जाता है, प्लेन बनना स्टार्ट हो जाता है, तो रिवर अपना स्ट्रीम को ये चेंज कर लेता है, जिससे मियांडर बनता है, बरखान बनता है, सॉरी तो सीढ़ी नुमा खेत, इस तरीके से बहुत कुछ बनता है। तो इसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम जो पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अब ये देखना कि नदन प्लेन कैसे बना, तो प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग देख लिए। तो अब देखते हैं कि इंडियन नदन प्लेन कैसे बना, आखिर क्या ऐसा हुआ था कि इंडियन की इतना, देखेंगे आप कि उसका लेंथ 2400 किलोमीटर, इतना बड़ा, इतना लार्ज स्केल पे कोई भी प्लेन कैसे बना इंडिया में, आखिर कैसे बना। तो देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर से ग्रेटर हिमालय था, लोअर हिमालय शिवालिक, अगर इससे भी प्रीवियस में चले जाते हैं तो इधर से यूरेशियन प्लेट आ रही थी और इधर से इंडियन प्लेट। अब दोनों का जब सबमर्जेंस हुआ यहाँ पे 33C में, जब 33C में सबमर्जेंस होता है यहाँ पे ग्रेटर हिमालय बनता है, ग्रेटर हिमालय के बाद लोअर हिमालय के बाद में शिवालिक। तो जब तीन रेंजेस लगातार कंटिन्यूस बनते हैं तो इसके बाद में जो माउंटेन बनने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रिवर जैसे गंगा, यमुना, घग्गर, आपका हो गया गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो नदी यहाँ से हिमालय रीजन से निकलती है। साथ में जब हिमालय जब उठ रहा था, तो यहाँ पे जब अपलिफ्ट हो रहा था, और अपलिफ्टिंग के बाद भी जब ये नदियां तेजी से यहाँ पे यूथफुल स्टेज में, जब रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो यूथफुल स्टेज में, और जब यूथफुल स्टेज से जब बहना स्टार्ट करती हैं तब यहाँ पे विदरिंग, विदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। विदरिंग का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जब कभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कभी, तो उसमें विदरिंग का पढ़ेंगे। तो विदरिंग स्टार्ट होता है और यहां से डायरेक्ट उसका एक जगह से दूसरे जगह पे बहाव होता है, और जो बहाव होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे 33C का जो ये पोर्शन था, यानी शिवालिक के बाद का पोर्शन था, वो एक स्लोप के तौर पे था, और स्लोप के तौर पे जब स्लोप था तो नदियां बहना स्टार्ट हो जाती हैं, अब ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। लेकिन बे ऑफ बंगाल में जब मिलती हैं तो यूथफुल स्टेज से जब कोई रिवर, पहले बताया कि जब मेच्योर स्टेज में जब कोई भी नदी आ जाती है तो यहाँ पे ये क्या करना स्टार्ट करती है, यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है उसको यहाँ पे ले जाके डालना स्टार्ट करती है, और इसी से क्या होता है कि प्लेन बनता है। और इसी तरीके से यहाँ पे गंगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंधु, अब यहीं से आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियां मिलकर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बनाती है। तो इस तरीके से नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स
कैसे हैं कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का जो बना वो क्या क्या है और कैसे कैसे है, तो हम लोग एक एक करके उसका डिस्कशन करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं थ्री मेजर रिवर सिस्टम। तो अभी बताया जैसा कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन थ्री मेजर जो रिवर सिस्टम है उससे बना, यानी कि मेजर मेजर एंड माइनर, माइनर मेजर रिवर सिस्टम, मेजर रिवर सिस्टम यानी कि मेन स्ट्रीम, जो मेन रिवर जो होती है उसको हम लोग मेजर रिवर, जैसे गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि यहां पे कैलाश, कैलाश माउंटेन से इंडस निकल रही है, ब्रह्मपुत्र निकल रही है और यहीं से गोमुख से गंगोत्री निकलती है। तो इस तरीका से क्या होता है कि थ्री मेजर जो है अब इसी का जो ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हो गए। अब इसी ट्रिब्यूटरी में जो छोटे छोटी नदियां आके मिलती हैं, जो छोटी छोटी नदियां मिलती हैं जैसे कि गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, तीस्ता, ये सारे जो है वो माइनर रिवर सिस्टम में ये सब आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो थ्री रिवर सिस्टम से मिलकर ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है, पहली बात। दूसरा, फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल, फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल। तो देखिए कोई भी, जब कोई भी रिवर, कोई भी रिवर जब जो भी जो डिग्रेडेड कॉम्पोजिशन होता है उसको लेकर जब यहां पर कैरी करते हुए लेकर आती है, तो सबसे पहले उसमें जो थिन पार्टिकल होता है, थिन पार्टिकल जिसे हम लोग लोम कहते हैं, लोम, तो लोम कहते हैं, और उसको लाकर यहां पे जब यूथफुल स्टेज से मैच्योर स्टेज में जब आती है नदी, तो वहां पे जितना भी जो कॉम्पोजिशन है वो कैरी करते हुए लाकर जब उसके आगे को लोड को कैरी नहीं कर पाती है, तो वही जब नदी तो कंपोज कर दी, यहां पे डिपोजिट कर दी, डिपोजिट कर दी, तो इसी मिट्टी को जब प्लेन का इस मिट्टी को, इसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। अब ये लोग एलुवियल सॉइल क्या है इसके बारे में जब हम लोग सॉइल पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में देखेंगे कि एलुवियल सॉइल क्या होता है, लैटेराइट सॉइल क्या होता है, फिर आपका रेड सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, तो लैटेराइजेशन होता है, ओर्जियालाइजेशन होता है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे सॉइल में। लेकिन बस यहाँ पे इतना जानने की जरूरत है कि नॉर्दर्न प्लेन का एक ये एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है यहाँ पे। दूसरा, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड कैसे है, क्योंकि एलुवियल सॉइल है। अब एलुवियल सॉइल है तो यहाँ पे ह्यूमस ज्यादा होता है, और जब ह्यूमस ज्यादा होता है तो इसमें इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जैसे पोटास हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये सब को इसमें इसमें एक फॉडर की तरह यूज करके और हम लोग क्या करते हैं इसका, इसको फर्टाइल लैंड बनाते हैं। ये ऑलरेडी फर्टाइल लैंड है, क्यों, क्योंकि एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमस ज्यादा है और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो मिनरल्स कैसे मिलते हैं, जब हम लोग इसे रॉक फॉर्मेशन पढ़ेंगे और डिग्रेडेशन विदरिंग ऑफ रॉक पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि फर्टाइल लैंड कैसे बनता है, एलुवियल जो एलुवियल सॉइल है वो फर्टाइल कैसे है। तो जब हम लोग वहां पढ़ेंगे तो यहाँ पे बस हम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है नॉर्दर्न प्लेन, और नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में कौन कौन सा क्या क्या इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन उसके बारे में सिर्फ जानना है। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन जो हुआ, ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया जो हुआ वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट में ये पंजाब से लेके यहाँ पे आपका असम तक फैला हुआ है, असम तक, ऐसे अरुणाचल में भी कुछ पार्ट मिलता है, लेकिन ये पूरा का पूरा असम तक, जो कि आगे बढ़ेंगे हम लोग की क्या है। फिर देखें तो लेंथ 2400 किलोमीटर। उसी तरीके से वाइड देखें, तो जब आप वाइड कैसे, यानी कि पंजाब से लेके असम तक है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये रेगुलर है, नहीं रेगुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लेन है,
इधर से आपका दक्कन प्लेटू है, उधर से आपका ग्रेट माउंटेन है। तो जब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो वैरी करेगा ना, तो जो वैरी करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग एक एवरेज लिया जाए तो 240 से लेकर 320 तक, 20 किलोमीटर तक इसका वाइड है, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक। तो इस तरीका से हम लोग क्या देखें कि कुछ टर्म्स है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काम करेगा, और साथ साथ जब आप सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम लिखते हैं, तो वहां पे ये क्वार्टर मटेरियल की तरह काम करेगा। इतना सारा पॉइंट लिख के इसके बारे में थोड़ा ज्यादा नहीं, दो दो लाइन भी अगर लिख दें तो ये जैसा क्वेश्चन का नेचर होगा उस क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ इसे सेट कर सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो नदन प्लेन है, जो नदन प्लेन का किस तरीके से बटा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट, अगर ये नदन प्लेन है तो नदन प्लेन को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है कि वेस्टर्न पार्ट मिडिल एंड ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। ये वेस्टर्न हो गया, ये मिडिल हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न, तो वेस्टर्न पार्ट जो है ना वो पूरी तरीके से कौन सी इंडस रिवर जो है वो भी वही यहाँ पे डोमिनेटेड है। जैसे कि आप देखेंगे वेस्टर्न पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलाश है, कैलाश से यहाँ से इंडस निकलती है, जब इंडस निकल के यहाँ पे आके अरेबियन सी में मिल जाती है। तो जब अरेबियन सी में यहाँ पे मिल जाती है तो देखेंगे साथ साथ इसके ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ट्रिब्यूटरी जैसे हो गया आपका झेलम हो गया, ब्यास हो गया, आपका रावी हो गया, सतलज हो गया, उसी तरीका से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये सारी नदियां मिलकर ही इंडस रिवर सिस्टम बनाती हैं। और जब इंडस रिवर सिस्टम जब बनाती हैं तो इसका एक मेजर पार्ट है, यानी कि जितना भी इंडस का जो प्लेन है, इंडस के द्वारा जो प्लेन फॉर्मेट किया गया है, जो कि फॉर्मेशन किया गया है, उसका मेजर पार्ट जब अब पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान जब दो कंट्री बने तो मेजर यहाँ पे पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, सिंध का जो कुछ पार्ट था वो पाकिस्तान में चला गया। और जब पाकिस्तान में जाने की वजह से ही जो नदन, जो इंडस रिवर सिस्टम जो था, इंडस रिवर सिस्टम, वो मेजर पार्ट पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन उससे पहले इंडस के साथ में पांच नदियां हैं वो इंडिया से होकर बहती हैं। तो जब इंडिया से होकर बहती हैं तो इसी में आ जाता है कौन सा कि पंजाब। यहां पे देखेंगे आप पंजाब है, तो पंजाब से जब नदियां बहती हैं तो पंजाब से नदियां बहकर जाके इंडस में मिलती हैं, इंडस से मिलती हैं तो ये जो एरिया आपको पंजाब का हुआ, यहां पे पंजाब का जो प्लेन बनता है वो इंडस से बनता है, ठीक है। अब ऐसे भी बोला जाता है कि पंजाब पांच नदियों का राज्य है, पंजाब यानी पांच नदियां, ठीक है। तो पांच नदियां अब इसी से यहां पे पंजाब का मैदान बन जाता है। अब देखते हैं हम लोग पंजाब का जो मैदान बनता है वो इंडस का ट्रिब्यूटरी से बनता है। तो ट्रिब्यूटरी से बनता है तो एक टर्म आता है दोआब, यानी कि दो मतलब टू, आब मतलब रिवर, आब मतलब नदी, यानी दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है ये आपका दोआब कहलाता है। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का जो भी प्लेन हुआ दैट इज फॉर दोआब, तो दोआब बना। तो उसी तरीके से पंजाब में जैसे आप देखेंगे कि झेलम है, तो चेनाब है, रावी है, तो आपका ब्यास है, सतलज है, तो इस तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी कि पंजाब में चार दोआब पाया जाता है, यानी कि मेजर लैंड है दोआब जो होता है ना, पंजाब का जो दोआब है वो मेजर लैंड है, ठीक है। उसका इसलिए उसका नामकरण कर दिया गया है, उसका
नाम बना दिया गया। जैसे आप देखेंगे चार्ज, यहां देखिए चार्ज, तो चार्ज जो है ना वो चेनाब एंड झेलम, यानी कि चेनाब और झेलम के बीच का जो एरिया है वो जो चार्ज दुआब कहलाया। क्या कहलाया? चार्ज दुआब। चार्ज दुआब कौन सा? यानी कि आपका चेनाब और झेलम। उसी तरीके से रचना दुआब, रचना, ठीक है। तो रचना दुआब जो था वो रावी एंड चेनाब, रावी एंड चेनाब के बीच का जो जो लैंड है उसको हम लोग रचना दुआब बोलते हैं, ठीक है। तो देख लें हम लोग कि झेलम एंड चेनाब के, ठीक है, झेलम एंड चेनाब का जो क्षेत्र होगा उन दोनों के बीच का जो दुआब बना दैट इज कॉल्ड चार्ज। रचना दुआब, रचना दुआब यानी कि रावी एंड चेनाब के बीच का जो भी दुआब बना दैट इज कॉल्ड रचना दुआब। ब्यास बिस्ट, तो बिस्ट हुआ यानी कि ब्यास और सतलज, ब्यास एंड सतलज के बीच का भी जो दुआब हुआ दैट इज कॉल्ड बिस्ट दुआब। उसी तरीका से आप देख लेंगे यहाँ पे बारी, यानी कि ब्यास एंड रावी, ब्यास एंड रावी के बीच का जो एरिया होता है उसको बारी दुआब बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें, देखें चार्ज याद करना है, याद करना है कैसे, कोडवर्ड बना के चार्ज, चा चा से चेन, चा से चेनाब और ज से झेलम, यानी कि चार्ज चेनाब और झेलम के बीच। रचना आर से रावी, सी ए से चेनाब, यानी कि रचना द्वार चेनाब है रावी के बीच। बिस्ट, बिस्ट हो गया बिक से ब्यास, एस से सतलज, तो आपका हो गया बिस्ट, बिस्ट हो गया यानी कि ब्यास एंड सतलज। एंड बारी द्वार, जो बारी द्वार हो गया वो किसके बीच में हो गया? ब्यास एंड रावी, ब्यास एंड रावी। तो इस तरीका से पंजाब में पांच द्वाब हैं, सॉरी चार द्वाब हैं पांच नदियों के बीच। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीका से अगर नदन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट को हम लोगों ने कवर किया, वो क्या, तो पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है, यानी पंजाब में वो मिलता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अब हम लोग देखते हैं क्या तो गंगा प्लेन के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। तो गंगा प्लेन के बारे में अगर जानकारी लें हम लोग, तो सबसे पहले बात गंगा का प्लेन देखिए। गंगा का प्लेन यहाँ पे हो गया आपका कि हरियाणा, पंजाब के बाद आता है हरियाणा। तो हरियाणा से लेके आपका वेस्ट बंगाल तक ये चला जाता है। गंगा प्लेन कहाँ जाता है? हरियाणा से लेकर वेस्ट बंगाल तक। याद रखें जो आसाम जो है, ठीक है, यानी कौन सा आसाम का जो प्लेन है ना वो ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे तीन बताया था, तो तीन में एक हो गया वेस्टर्न, यानी कि यहाँ पे वेस्टर्न किसका, तो इंडस रिवर सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड हो गया गंगा, एंड थर्ड हो गया ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो आसाम का जो प्लेन है ना वो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऐसा ना भूल के भी ऐसा ना बोले, या भूल के भी ऐसा क्वेश्चन टिक ना करें कि आसाम इज द प्लेन ऑफ गंगा। नहीं, गंगा का प्लेन नहीं है ये ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है। ब्रह्मपुत्रा क्योंकि यहाँ पे जब ये यहाँ पे दिहांग यहाँ जो बात बनाते हुए ब्रह्मपुत्रा बहती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन सिस्टम निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र का जब मैदान में आती है ब्रह्मपुत्र का प्लेन में, तब ये बहते हुए इधर आके आप देखेंगे बांग्लादेश में मिल जाती है। तो इसी से बनता है, और इसी से आप देखेंगे कि यहां पे गंगा का द्वाब और यहां से ब्रह्मपुत्र का, सॉरी गंगे प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, अब ये दोनों मिल जाती है, तब गंगा इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा ये तीनों का जब मिलके बनाती है तो क्या बुलाते हैं? नदन प्लेन। अब इसी आसाम में जब देखेंगे तो एक माजुली है, माजुली आइलैंड है, विश्व का एकमात्र आइलैंड ऐसा, ओनली वन इन द वर्ल्ड। यानी कि जो माजुली है वो आसाम में है, वो क्या वहां पे एक टापू की तरह बना हुआ, आइलैंड की तरह बना हुआ है,
ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं गंगा प्लेन के बारे में देखते हैं। पहला एक्सटेंडेड बिटवीन गग्गर एंड तीस्ता, ठीक है, यानी कि गग्गर एंड तीस्ता, यानी देखेंगे आप गग्गर इधर में गग्गर रिवर है और यहाँ पे अब तीस्ता जो आसाम से निकलती है, इन दोनों के बीच का जो लैंड है, जो प्लेन है, वही गंगा का प्लेन के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं ये आसाम ब्रह्मपुत्रा में, ये देख लिया आप लोग हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का जो नदन पार्ट है, यानी कि झारखंड को ऐसे पार्ट कर दें, ऐसे कर दें, तो ये वाला जो पार्ट है, नदन पार्ट है, वो हिमालय के, जैसे आप इधर पे देखेंगे कि यहाँ पे सिंहभूम ले लीजिए, सॉरी साहेबगंज से ले लें, साहेबगंज का जो कुछ पार्ट होता है वो गंगा का प्लेन में वो लिया जाता है, यानी कि मोस्टली ये वाला पार्ट आप कह सकते हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत अगर देखें तो गंगा का ट्रिब्यूटरी का पार्ट हो सकता है। गंगा सिर्फ झारखंड में वो साहेबगंज से पार करती है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में जाते जाते ये ओल्ड एज में आ जाती है और फिर जाके आगे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, डेल्टा ऑफ सुंदरबन बनाता है। उसी तरीके से अब देखेंगे डाइवर्स रिलीफ। तो डाइवर्स रिलीफ क्या होता है, जैसा कि बोला जाता है कि गंगा जो है ना, गंगा है तो डाइवर्स है, एक गंगा का प्लेन है ना, वो डाइवर्स है, इसे हम लोग देख सकते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यहां पे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट कर सकते हैं इसको, साउथ ईस्ट इसके कंपैरिजन में साउथ ईस्ट है, ऐसा नहीं कि ऐसे हम लोग ईस्ट में ही लेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो गंगा का जो प्लेन है, तो ये आपका जो हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो नॉर्थ में यानी इधर में क्या होता है, हिमालय शिवालिक है, अब इधर में प्लेटू है, ठीक है, डेकन प्लेटू है, तो इधर में डेकन प्लेटू है, इधर में हिमालय है, तो हिमालय से डेकन प्लेटू के जो मिड में जो आता है वो गंगा का प्लेन ऐसे हुआ। अब यहां पे पंजाब को ले लें और यहां पे ले लें हम लोग क्या, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन का डेल्टा यहां पे, तो देखिए यहां पे आप देखेंगे कि ये, तो अगर हम लोग देखें डाइवर्स कैसे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग इधर से देखते हैं ना, तो एक वर्चुअल मैप अगर बनाते हैं तो देखिए पहले ऐसे चले, तो ये क्या हो गया आपका डक्कन का प्लेट, फिर यहां से आप देखेंगे ऐसे, यानी ये जो है ना आपका गंगे प्लेन है, यानी कि आप देखेंगे कि एक ये हिमालय हो गया, ये डक्कन प्लेटू हो गया, ये डक्कन प्लेटू, ये हिमालय, और बीच का जो लैंड हुआ वही गंगे प्लेन है, यानी कि नदन प्लेन है। अगर हम लोग इसका माने, यानी कि नॉर्थ ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ, उसी तरीके से हम लोग देखें नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो देखेंगे आप कि यहां का जो एल्टीट्यूड जो है ना वो हाई है और यहां का एल्टीट्यूड लो है। तो देखिए यहां पे डाइवर्स है, यानी कि पहला डाइवर्जन यहां हुआ, दूसरा डाइवर्जन यहां हुआ, ठीक है, उसी तरीके से अब देखें ये दो डाइवर्जन, यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखेंगे आगे का, देखते हैं तो जब हम लोग देखें कि डाइवर्स रिलीफ फीचर भी अगर देखें तो इसी से ये रिलेटेड है कि अकॉर्डिंग टू वेरिएंट डिवाइडेड इन फोर रीजन में कैसे डिवाइडेड है, तो ये देखते हैं, ये आपका हिमालय हो गया, ये हिमालय का शिवालिक हो गया, हिमालय का शिवालिक है, हिमालय के शिवालिक का
का ये सदर्न पार्ट है, ये इधर का सदर्न, इधर का नदर्न। तो सदर्न पार्ट, अब इधर देखें हम लोग क्या, तो गंगा का प्लेन है, गंगा का प्लेन है। तो जब गंगा का प्लेन जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे फोर मेजर वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसका पहला वेरिएंट होता है आपका भावर। ये हो गया भावर। अब समझते हैं भावर क्या होता है। देखिए जब भी कोई माउंटेन से, माउंटेन है यहां से, तो यहां से नदियां निकलती हैं, तो जो भी मान के चलिए कि जो नदियां निकलती हैं, जो फाइन आर्टिकल जो था ना, जो फाइन आर्टिकल जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो आगे जाके एल्यूवियल सॉइल एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बना देते हैं। लेकिन जो बड़ा, जो मान के चलिए कि बड़ा बड़ा सॉइल, ये आपका स्टोन बच गया या स्टोन बच गया, मिनरल बच गया, तो जो जो कि जो अच्छा से डिग्रेड नहीं हो पाती है, जो अच्छा से डिग्रेड ना हो पाए, वो क्या होता है कि ये जाकर जो जो लोअर पार्ट जो होता है ना, यानी कि माउंटेन का जो लोअर पार्ट होता है, वहीं पे जाके ये जम जाते, यहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाते हैं, यहीं पे ये फॉर्म हो जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे फॉर्म हो गए। अब क्या होता है जब नदियां जब आती हैं, तो ये क्या है कि ये जो थोड़ा वो बड़ा बड़ा पत्थर होते हैं, बोल्डर होते हैं, जो बोल्डर हम लोग के बोलचाल की भाषा में बोल्डर बोलते हैं, ये बड़ा बड़ा पत्थर होता है। तो जब बड़ा बड़ा पत्थर होगा तो ऐसा तो नहीं है कि नदियां इसके ऊपर चली जाएंगी, नहीं नहीं कह पाएंगी। इसीलिए नदियां क्या होती है ना कि इसके अंदर से ही बहना स्टार्ट कर देती हैं। जब अंदर से बहना स्टार्ट कर देती हैं तो यहाँ पे सब ये बोल, इसीलिए इसको बोला जाता है घोस्ट, यानी भूत, घोस्ट ऑफ द रिवर, घोस्ट ऑफ द रिवर। इसीलिए बोला जाता है कि नदियां यहाँ पे चली जाती हैं, पता नहीं चलता है कि वहां से नदी भी कोई पास हुई है, जो नदी पास हुई है या नहीं ये पता नहीं चलता है। और फिर तो ये वाला जो होगा, तो ये इसको अंग्रेजी में हम पेबल बोलते हैं, पेबल्स बोलते हैं। तो ये पेबल्स के बीच से जब नदियां अंदर से निकल जाती हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग भावर बोलते हैं। तो यानी कि भावर जो लैंडफॉर्म है वो प्लेन का ही पार्ट है, प्लेन का ही पार्ट है, पर पूरी तरीके से वो प्लेन, यानी प्लेन में एग्रीकल्चर जो होता है ना, वो एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन इसका भी यूज है, इसका यूज है। जैसे पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति जो हम, जो हमारे यहाँ पूजा किया जाता है, या उसे वेट के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए उसका यूज किया जाता है, तो पेबल का यूज वहां पे किया जाता है। तो यहाँ पे भावर हुआ। अगर भावर का देखें तो आप ये वैरी करता है 8 से 16 किलोमीटर के बीच में, 8 से 16 किलोमीटर के बीच में ये वैरी करता है। यानी इसका वाइट जो है वो, इसका वाइट कितना हो गया, 8 से 16 किलोमीटर हो गया, यानी कि भावर। तो जब ये भावर जो है, तो भावर यहां से निकलती है ना, तो यहां से नदियां जब भावर से क्रॉस करती हैं, ठीक है, यानी नदियां यहां से जब क्रॉस करती हैं ऊपर भावर, यानी पेबल्स के नीचे नीचे, पेबल्स के नीचे नीचे, फिर यहां पे नदियां बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो जब नदियां यहां पे बाहर आ जाएंगी, तो कैसी होंगी, तो वहां का जो सॉइल होगा या वहां का जो लैंड होगा वो कैसा होगा, वेट होगा, स्वैम्पी होगा एंड मर्सी होगा। तो ऐसा रीजन एक बनेगा जिसमें वेट, स्वैम्पी एंड मर्सी रीजन रहेगा, दैट इज कॉल्ड तराई। इसको तराई रीजन बोलते हैं। यानी देख लीजिए हम लोग कि किस तरीके से जो वेरिएंट है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट है। यानी कि यहां पे फोर लैंडफॉर्म बने, पहला भाबर एंड दूसरा तराई। जब तराई से जब नदियां बहके जब आती हैं, जब नदियां बहना स्टार्ट होते, यानी कि भाबर हो गया, ठीक है, यानी कि यहां पे भाबर हो गया, या फिर यहां पे तराई हो गया। तो जब नदियां तराई से जब फील्ड में आना, जब फील्ड में आती हैं, तराई को पार करती हैं, तो यहां पे प्लेन बनना स्टार्ट होता है, डिपोजिशन, यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट होता है। यानी कि नदियां मेच्योर स्टेज में आती हैं और डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब इसी डिपोजिट को, और जब ये डिपोजिट होता है, तो इसी डिपोजिट को जब नदियां
ऐसे बह रही हैं। तो नदियां यहां से कोई कोई रिवर फ्लो कर रही, ये तो ये जब मेच्योर हो जाती हैं तो ये अपने जो फाइन आर्टिकल होते हैं उसको कैरी नहीं कर पाती, और जब कैरी नहीं कर पाती हैं तो उसका दोनों तरफ बैंक पे वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं, और जब डिपॉजिट स्टार्ट कर देती हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट यहाँ पे बन गया, ठीक है, यानी यहाँ पे सॉइल बन गया। तो सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया तो वहां का जो लैंड होता है ना वो हाई हो जाता है। लेट सपोज कीजिए कि ये रिवर है तो यहां से डायरेक्ट वो फ्लो कर रही है, जब यहां से डायरेक्ट वो फ्लो कर रही है तो क्या होगा कि रिवर यहां से फाइन जो आर्टिकल है वो दो बैंक जो रिवर बैंक है उसके दोनों तरफ डिपॉजिट करते चली गई, और जब रिवर डिपॉजिट करते चली जाएगी तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, एंड ऑफ द टाइम होगा कि यहां का डिपॉजिट अपलिफ्ट करेगा, यानी यहां पे डिपॉजिट का जो रिवर का जो फ्लो है उसके कंपेयर में आ जाएगा, एकदम उसके पैरेलल आ गया। जब पैरेलल आ जाएगा तो यहाँ पे क्या फर्दर डिपॉजिट हो पाएगा, तो नए डिपॉजिट हो पाएगा। तो नदियां क्या करती हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट छोड़ के अब वो आगे बढ़ती हैं, जब आगे बढ़ेंगी यहाँ छोड़ के, जब नदी आगे बढ़ के यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे, तो जब नदी आगे बढ़ के डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है तो फिर क्या होता है एंड ऑफ द टाइम को क्या होता है यहाँ भी पैरेलल हो जाएगा दोनों बैंक पे, जब दोनों बैंक पे यहाँ भी पैरेलल हो जाएगा तब इसके बाद यहाँ ठीक है, तो फिर यहां बनना या तो देख रहे हैं ना किस तरीके से नदियां अपना डिपोजिशन को शिफ्ट कर रही हैं। जब शिफ्ट करने के बाद तो यही जो सबसे पहले सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, सॉइल फॉर्मेशन ना इसी को बोला गया बांगर बोला गया, इस यानी कि ओल्ड सॉइल दैट इज कॉल्ड भांगर, ठीक है, तो भांगर ये बोला गया, यानी कि अब देखेंगे कि भांगर जब ये नदियां भांगर हो गई, और जब ये सबसे लास्ट में बनी, जब ये सॉइल फॉर्मेशन होगा यानी कि क्या है न्यू सॉइल है तो इसी को हम लोग कह देंगे क्या खादर, यानी कि खादर सॉइल बोल देंगे हम लोग, इसी को न्यू सॉइल को बोल देंगे खादर। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो नदियां जो फ्लो करती हैं वो अपने साथ जो भी कंपोजिशन लाती हैं उसको अपने रिवर बैंक के पास में वो डिपॉजिट करते जाती हैं, और इसी से एक प्लेन का निर्माण होता है, यानी प्लेन का फॉर्मेशन होता है, और जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट नदियां करती हैं, जैसे कि जो नदन प्लेन हुआ इंडिया का उसमें कौन कौन सी नदी रही, कौन कौन सी नदी, तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां मिलकर मिलियंस ऑफ ईयर में जाके ये नदन प्लेन बनाए तीनों नदियों ने। अब देखेंगे यहां पे एक अच्छी देखेंगे कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो खादर जो न्यू एलुवियल सॉइल है ना यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, क्यों, क्योंकि जो खादर जो होती है ना उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा है तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज्यादा होगी तो क्या कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी होती है तो वो ये ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग देखें कि नदन प्लेन का सन हुआ यहाँ पे, तो देखेंगे कि जब हम लोग यहां से देखें इसे, तो यहां से पंजाब को उठा लें तो यहां तक आपका यानी कि असम तक का जो रीजन है वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिस्कस किया। इससे पहले हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन के बारे में किया था। इसी तरीके से जो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो है ना
उसमें 6 पॉइंट थे, इसमें से 2 पॉइंट यानी कि हिमालय। इसके बाद हम लोग डकन प्लेटू यानी कि डकन प्लेटू इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू का डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपका यही होगा नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद फिर इसके बाद आपका ग्रेट डिजर्ट होगा, उसके बाद कोस्टल लैंड होगा, इसके बाद में आइलैंड होगा। तो इस तरीका से जो भी है वो सारा का सारा आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।